पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध, काली पट्टी बांध जताई नाराजगी। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकारी एजेंसियों सीबीआई, ईडी एवं इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर छापामार कार्यवाही करने के विरोध में पाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन दिया। कांग्रेस जन केंद्र सरकार के विरोध में हाथों पर काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बैठ गए। इस दौरान केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए रघुपति राघव राजा राम प्रार्थना भी गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध में जमकर नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। प्रबंधन से इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी जरूरतमंदों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर आमजन को राहत पहुंचाई है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और बीजेपी की इशारे पर पूर्ण बहुमत से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है। ऐसी विकट परिस्थिति के समय केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों से राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के यहाँ दुर्भावनापूर्ण तरीके से छापामार कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार का यह तानाशाही रवैया असहनीय है। ये विषय राजस्थान के आमजन की भावना से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार और बीजेपी की सवे से प्रदेश की जनता एवं कांग्रेसजनों में भारी रोष व्याप्त है। आज से सादर अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं पर गौर फरमाकर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के साथ ही देश प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपसे जो ठोस कदम उठाए और ये समझ